नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ग्राउथ पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं फोंडा किट का सर्किट डायग्राम, क्योंकि इस पर मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे और ये कमेंट शायद उन लोगों ने किए हैं जो अभी नए हैं और जो ऑलरेडी रिपेयरिंग कर रहे हैं, शायद उन लोगों को सबको पता है। और दोस्तों, इस पर ये भी मुझसे पूछा गया था, इस सर इसके स्टैंड बाई के बारे में भी बताइए। तो दोनों बातों पर दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये है फोंडा किट का सर्किट डायग्राम, आप देख सकते हैं। तो ये इसका SMPS है, जहाँ से AC सप्लाई मेन AC दी गई है, और ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, तीन ट्रांजिस्टर और है, और यहाँ पर एक रिले लगा हुआ है। तो ये रिले 12 वोल्ट DC से काम करता है। और ये देखिए आप, ये एक ऑडियो IC लगी है, ये साउंड आउटपुट सेक्शन के लिए लगी है, TDA2611A। और इधर देखिए आप, ये VIP सेक्शन है, और ये IC लगी है 6380। ये यहाँ पर ट्यूनर लगा है, और ये EST। इधर देखिए, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर। इसके नंबर आप देख सकते हैं, 2SC1427। और यहाँ पर ये LDT लगा है, लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर, और ये लाइन ड्राइवर ट्रांजिस्टर। और इधर देखिए, ये है वर्टिकल सेक्शन। तो दोस्तों, आजकल के जो TV आते हैं उनमें ये वर्टिकल सेक्शन में एक IC लगी रहती है, लेकिन ये जो फोंडा का सर्किट डायग्राम है, किसी ज़माने का फेमस सर्किट डायग्राम था, फेमस किट था, और अब ये बहुत ही कम TV में हमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये वर्टिकल सेक्शन है, जिसमें दो ट्रांजिस्टर लगे हैं वर्टिकल आउटपुट में, आप देख सकते हैं। और आज के जो TV आते हैं उनमें वर्टिकल सेक्शन में IC लगा रहता है वर्टिकल आउटपुट में, और ये इसका आउटपुट सेक्शन यहाँ पर है, और ये है मेन IC TA7698। और इधर देखिए, ये है सिस्टम IC, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लगा है इसका मेमोरी, और ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये यहाँ पर इसका बेस का डायग्राम दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रीसेट का यूज़ किया गया है, और सबसे ज़्यादा ख़राबी भी प्रीसेट की वजह से आती थी, जब बारिश के मौसम में इन प्रीसेट में, लेकिन सभी जगह पर प्रीसेट आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रीसेट यहाँ पे लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल होल्ड, वर्टिकल होल्ड के लिए एक वॉल्यूम लगा हुआ है यहाँ पर, और ये सेंसर, और ये कीपैड जो भी बटन के लिए, और प्रीसेट और ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा इसमें यूज किया गया है। आज के जो बोर्ड आते हैं उनमें हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, वर्टिकल ऑसिलेटर और साउंड ऑसिलेटर, इन सब का IC के जो मेन IC होता है उसी के अंदर दिया हुआ रहता है, लेकिन इस बोर्ड में सब बाहर है, सभी बाहर की तरफ इसी बोर्ड में दिए हुए हैं, IC के इंटरनल में नहीं है। ये देखिए, ये रिले लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट DC से काम करता है,
दोस्तों बात कर लेते हैं स्टैंड बाई की, क्योंकि स्टैंड बाई के ऊपर भी मुझे कमेंट मिला था कि स्टैंड बाई के ऊपर बताइए। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि स्टैंड बाई के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दो रेगुलेटर लगे रहते हैं, 5 वोल्ट 8 वोल्ट दोनों को चेक कीजिएगा। अगर 5 वोल्ट और 8 वोल्ट मिल रहे हैं तो आप स्टैंड बाई से रिलीज कीजिए, और यहाँ पर जो रिले कॉइल है इस रिले कॉइल पर 12 वोल्ट आपको मिलेंगे, तो 12 वोल्ट यहाँ पर मिलने चाहिए। और 12 वोल्ट मिलने के बाद स्टैंड बाई से जब सेट रिलीज होगा तभी 110 सप्लाई आपको मिलेगी। इसमें 110 सप्लाई जब भी स्टैंड बाई में सेट रहेगा तो सप्लाई आपको नहीं मिलेगी 110, और जो ही हम स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे तभी आपको ये 110 सप्लाई यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर ये यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ पर ये इस डायोड से रेक्टिफायर किया गया है, ये कॉइल लगी है और कॉइल से सीधी इधर ESD को जा रही है यहाँ पर, और यहाँ से एक 1 ओम के रेजिस्टेंस लगा करके ESD को दी गई है, और फिर ये सप्लाई यहाँ से निकल करके आउटपुट ट्रांजिस्टर को दी गई है। तो ये 110 सप्लाई तभी मिलेगी जब स्टैंड बाई से सेट रिलीज होगा। तो इसके लिए आपको 5 वोल्ट 8 वोल्ट चेक करना ज़रूरी है। इसमें 7805 और 7808 दो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं, वो आप देखना उन पर वोल्टेज, और 12 वोल्ट सप्लाई से इन रेगुलेटर को सप्लाई दी गई है, और उसके बाद भी स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिस्टल लगाइए, एक क्रिस्टल पर आप हाथ से जब अंगुली से इस तरह से अब टच करेंगे PCB के नीचे तो स्टैंड बाई से रिलीज होगा। अगर नहीं होता है तो इस क्रिस्टल को ज़रूर आप चेक कीजिएगा। और दोस्तों स्टैंड बाई के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस बोर्ड में ट्रांजिस्टरों का सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। और इसमें प्रीसेट का भी काफ़ी यूज किया गया है, तो प्रीसेट की वजह से भी कई तरह के फॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों ये है इसका कंपोनेंट लेआउट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।